दोस्तों दुनिया में बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। इनमें कुछ इतने यूनिक और अलग होते हैं जो दिखने में बिल्कुल हमारे फेवरेट कार्टून करेक्टर की तरह दिखते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके फेवरेट कार्टून करेक्टर के रियल लाइफ वर्जन के बारे में बताऊंगा, जिन्हें देखकर आप लोगों के होश उड़ेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, कॉल ऑफ अट्रैक्शन अप मूवी। अप मूवी 2009 में बनाई गई एक एनिमेटेड मूवी है जिसको डिज्नी ने बनाया था। और दोस्तों ये मूवी दुनिया की सबसे फेमस एनिमेटेड मूवीज में से एक है। इस मूवी का मेन करेक्टर एक 78 साल का बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम कॉल ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन दोस्तों जब इस आदमी का फोटो इंटरनेट पर आया तब वह तेजी से वायरल होने लगा, क्योंकि इसे देखकर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कोई इतना ज़्यादा कार्टून करेक्टर की तरह कैसे लग सकता है। क्योंकि चाहे आप इनके स्क्वायर शेप चश्मे को देख लो या फिर आप इनके चेहरे को देख लो, कोई भी इस बात को जुटला नहीं सकता कि रियल लाइफ का कॉल ऑफ अट्रैक्शन है। नंबर 4, अवे फ्रॉम मोना। दोस्तों आप डिज्नी के इस करेक्टर को देखिए जिसका नाम माउवी है, पर दोस्तों आप इनसे मिले जिनका नाम है विलियम। दोस्तों इस आदमी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि आदमी आगे जाकर इतना पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि जब ये आदमी एक सुपर स्टोर मार्केट से कुछ खरीदारी कर रहा था तब दो छोटे बच्चों ने इसे देख लिया। उन दोनों बच्चों ने इस आदमी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद इस आदमी का वीडियो वायरल हो गया और देखते देखते ये आदमी पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। और आज जिस आदमी को दुनिया भर की कई एनिमेशन कंपनी अपने एनिमेशन प्रोजेक्ट के लिए हायर भी किया हुआ है, जिससे ये आदमी काफ़ी अच्छे पैसे कमाता है। नंबर 3, सिमसम। दोस्तों सिमसम दुनिया का सबसे अच्छा कार्टून शो है और इसमें जितने भी प्रेडिक्शन हुए हैं वो सब तो नहीं लेकिन कुछ कुछ सही निकले। जैसे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA, ऐसी काफ़ी चीज़ें जो बिल्कुल सही निकली। दोस्तों सिम्पसन्स कार्टून के कुछ और भी ऐसे करेक्टर हैं जिनके रियल लाइफ में टॉपर गैंगर मौजूद हैं। मुझे पता है जब तक मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं तब तक आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, तो देख लो। जैसे कि मारुति, बस इसे पीला रंग नहीं छड़ाऊँ, बाकी डिट्टो सेम टू सेम लग रहा है। लेकिन दोस्तों अब आप इस दातून मास्टर को देखिए, मतलब मेरी आंखों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। डिट्टो कॉपी, एकदम सेम टू सेम, दांतों के साथ भी बिल्कुल सेम टू सेम। अब दोस्तों इस दातून मास्टर के रियल लाइफ वर्जन को देखकर आप लोगों को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 2, प्रिंसेस जैस्मिन। दोस्तों डिज्नी का एक पॉपुलर शो है जिसका नाम है अलादीन, और उस अलादीन का एक पॉपुलर करेक्टर है जिसका नाम है प्रिंसेस जैस्मिन। अगर आपने इस मूवी को देखा होगा तो आपको जैस्मिन का करेक्टर तो याद ही होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में और कोई भी है जो इस कार्टून करेक्टर से ज़्यादा असली लगती है। फोटो में दिख रही ये लड़की कोई कार्टून करेक्टर नहीं है बल्कि एक रियल की लड़की है। दोस्तों इसका नाम होला इका है। एक बार इस लड़की ने डिज्नी के इस करेक्टर की तरह ड्रेस पहनकर और उसी की तरह बालों को बांधकर इंस्टाग्राम पर अपनी फ़ोटो को शेयर कर दिया, जिसके बाद इस लड़की की फ़ोटो इंटरनेट पर वायरल हो गई। लोगों को इस लड़की की फ़ोटो अलादीन के इस करेक्टर से इतनी मिलती जुलती लगी कि लोगों ने इसे पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। आज इस लड़की के इंस्टाग्राम पर लाखों की संख्या में फॉलोवर मौजूद है। नंबर 1, एल्सा। अमेरिका में रहने वाली ये लड़की साल 2013 में आई इस फेमस कार्टून करेक्टर एल्सा की तरह लगती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लड़की को कभी इस बात का पता ही नहीं था। दरअसल दोस्तों जब ये मूवी 2013 में रिलीज हुई तो ऐना इस मूवी को देखने के लिए सिनेमा हॉल गई और सिनेमा हॉल में मौजूद इस पोस्ट के साथ एक फ़ोटो खिंचाकर उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते ये फ़ोटो इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिससे ये लड़की काफ़ी फेमस हो गई। दोस्तों इस फ़ोटो के वायरल होने से पहले ऐना छोटे मोटे रोल किया करती थी, लेकिन जब ऐना पॉपुलर हो गई तो कई एनिमेशन फिल्म बनाने वाली कंपनियों ने उसे हायर किया, जिसके बाद ऐना के ऊपर कई कंपनीज ने कार्टून करेक्टर के कपड़ों से कई एक्सपेरिमेंट किए, जिसके बदले ऐना को काफ़ी अच्छे पैसे भी मिलने लगे।